So now we are going on the next chapter from your book Grammar Glitter Odyssey by Brain Root from Amit Publishing House, chapter number 7, tenses. So the tenses of a verb show. क्या दिखाता है एक verb जो tense में होता है, the time of an action or event, even the state of an action referred to. Tenses हम तीन तरह से बनाते हैं. Present tense, जो अभी right now we are in the state, that is called present state. Past tense, जो हमारे साथ हो चुका है, that is past tense. And future, जो हमारे साथ होने वाला है या जो हम करें. So now simple present tense. Simple present tense कब use करते हैं? जब हम किसी universal truth को बताते हैं, तब हम वहाँ पर बिल्कुल simple tense use करते हैं. जैसे the moon is the earth's only natural satellite. ये एक universal truth है. ओके, ये बदल नहीं सकता. द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है. जब हम किसी की रेगुलर हैबिट, ओके, या उसके साथ जो रेगुलर होता है उसको डिस्क्राइब करते हैं, तब हम उस चीज़ को सिंपल प्रेजेंट में डिस्क्राइब करते हैं. जैसे माय फादर रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, मेरे पापा हर सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये उनकी हैबिट है, इट इज़ अ रेगुलर हैबिट. तो हम इसे कैसे बोलेंगे? प्रेजेंट में भी होती है, रोज़ पढ़ते आ रहे हैं, इट इज़ अ रेगुलर हैबिट. वो अभी छूटी नहीं है कि वो पास्ट बन जाए, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो फ्यूचर में पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक वो रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं. सो ये भी आपका आ जाएगा प्रेजेंट टेंस में. टू टॉक अबाउट थिंग्स विच आर जनरली ट्रू, जैसे कि द वी गेट मानसून शावर्स इन द मंथ ऑफ जून, ये जनरली ट्रू स्टेटमेंट्स हैं. टू डिस्क्राइब समथिंग दैट हैज़ बीन हैपनिंग फॉर सम टाइम, जो कि कुछ टाइम से होता चला आ रहा है, जैसे कि द शर्माज लिव इन आगरा, शी इज़ अ डांसर, कुछ टाइम से ये चीज़ होती आ रही है. ऐसा तो नहीं है वो आज ही डांसर बन गई, या वो कल डांसर थी, या वो कल डांसर होगी, वो डांसर है और वो कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है. तो इन चारों सिचुएशंस में हम जो भी टेंस बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ सिंपल पास्ट टेंस, फॉर एन इवेंट दैट हैपेंड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, जब पास्ट में कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ हुआ हो, वो कब आएगा? पास्ट में हुआ है, तो उसे हम बनाएंगे सिंपल पास्ट टेंस में. जैसे वी अराइव्ड होम बिफोर डार्क, अंधेरा होने से पहले हम घर पहुंच गए, तो वो पहुंच गए अंधेरा होने से पहले. द फिल्म स्टार्टेड एट 11:30, द फिल्म स्टार्ट कब हुई? 11:30. तो आप 12 बजे या 11:45 पे आप ये बोल सकते हो दैट फिल्म स्टार्टेड, क्योंकि वो हो चुकी है. ओके, इट विल कम इन पास्ट. नाउ वी यूज सिंपल प्रेजेंट फॉर समथिंग दैट वुड हैपन अ लॉट इन द पास्ट, उस चीज़ के लिए जो पास्ट में बहुत ज़्यादा हुआ है. जैसे दे वुड ऑफन विजिट द लाइब्रेरी इन कॉलेज. ओके, सो नाउ एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेज लाइक यस्टरडे, अ वीक अगो, फोर मंथ्स अगो आर यूजुअली एडेड टू सेंटेंस डिस्क्राइबिंग पास्ट एक्शन. ओके, यस्टरडे, अ वीक अगो, ओके, फोर मंथ्स अगो, इस तरह से. नाउ द सिंपल फ्यूचर क्या होता है? जब हम डिसाइड करते हैं टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे कि देर इज नो फ्लोर टू बेक अ केक, डोंट वरी आई विल गो एंड गेट सम. क्या सोच लिया मैंने? कि मैं जाऊंगी और मैं ले आऊंगी, आई विल गो. ओके, सो नाउ थैंक यू फॉर द बुक. जब हम कोई प्रॉमिस करते हैं दैट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई विल वर्क हार्ड, थैंक यू फॉर द बुक, आई विल रिटर्न इट बाई मंडे आफ्टरनून, वी आर मेकिंग प्रोमिस. तो हम हर प्रोमिस करते हैं फ्यूचर टेंस में. देन टू ऑफर टू डू समथिंग, जब हम किसी को कुछ ऑफर करते हैं, जैसे कि विल यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, और कोई एक्शन या टू एक्सप्रेस एन एक्शन ओवर विच वी हैव नो कंट्रोल, जैसे कि द शॉप विल रिमेन क्लोज टूमोरो, कल शॉप बंद रहेगी, हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है. सो
So this type of sentence come in the category of simple future to express the speaker's view. जब हम speakers के he did not does the homework. They sell cars. They sold the cars. Does he visit his friend? Did he visit his friends? Are they going to church? Were they going to church? तो सिंपल पास्ट टेंस में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज कर देंगे? सेकंड फॉर्म में, राइट? बट सिंपल पास्ट टेंस अगर आप नेगेटिव में बना रहे हैं तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यहां पर रहेगी. आई होप दिस एक्सरसाइज इज वेरी क्लियर टू यू. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन ब्रैकेट्स. लास्ट ईयर आई गो टू इंग्लिश इंग्लैंड ऑन हॉलीडे. तो गो का क्या हो जाएगा? वेंट. आई वेंट टू इंग्लैंड ऑन हॉलीडे. मैं इसमें यहाँ पर ऑड वन आउट कर रही हूँ. लाइक इवन वाले आप खुद करोगे, ऑड वाले मैं आपको बता रही हूँ. आई विजिट लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग प्लेसेस. आई हैव विजिटेड लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग प्लेसेस और आई विजिटेड लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग प्लेसेस. आई वॉज यू एंड योर वाइफ will travel around the world. You will meet a beautiful woman. You will marry her. People will serve you. So these are very easy exercise to do. You can do it yourself definitely. So rewrite the paragraph in simple past tense in your notebook and rewrite the paragraph using simple future tense in your नोटबुक. दोनों की आपको मैं दो दो लाइन बता रही हूँ. उसके अलावा दिस विल बी ऑफ ग्रीड पॉइजन्स विल मैन सोल्स. इट विल बैरिकेड्स द वर्ड विद हेट. इट विल मेक अस लॉस आर वे. इट विल टेक अस इन टू मिजरी एंड ब्लडशेड. रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ यू विल डू इन योर नोटबुक. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.